वर्ष अधिनियमित हुआ, देखिए ऑप्शन चार आपसे सामने दिया हुआ है, 2002 है, 2005 है, 2004 है, 2006 है। तो राइट ऑप्शन इसकी की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी यानी 2004। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है ब्रेजनेव जो है किस देश के राष्ट्रपति थे, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, देखिए ऑप्शन सोवियत संघ है, अमेरिका है, फ्रांस है, उसके बाद यूगोस्लाविया। तो यहाँ पे तीन का राइट ऑप्शन क्या होगा, तीन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोवियत संघ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है देख पा रहे होंगे कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में प्रथम शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया, देखिए ऑप्शन को ध्यान से, नई दिल्ली है, कैरो है, हवाना है और बेलग्रेड है, बेलग्रेड ही। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा चार का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी बेलग्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव कराए सोवियत संघ का विघटन जो है कब हुआ, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1988, 1989, 1990, 1991 के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1991 जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स कराया देखिए ध्यान से, यूरोपीय संघ कब अस्तित्व में आया, यूरोपीय संघ कब अस्तित्व में आया, 1989 है, 1990 है, 1993 है, 1994 है। तो सिक्स का राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, छः का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 1993 क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन कराया सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, थिम्पू है, उसके बाद इस्लामाबाद है, काठमांडू है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो सेवन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी काठमांडू। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट कराए कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से, चार ऑप्शन दिया आपके सामने, कांशीराम है, मायावती है, क्या कहते हैं सतीश चंद्र मिश्रा और डॉक्टर अम्बेडकर। तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कांशी राम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन कराए देखिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है, ध्यान से ऑप्शन को देखिए, बर्लिन है, द हेग है, जेनेवा है और इनमें से कोई नहीं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा नाइन का यानी द हेग क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर दस क्या करा देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में है किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, किस वर्ष झारखंड राज्य जो है अस्तित्व में आया, 2000 है, फिर 2001 है, 2002 है, 2003 है। तो राइट ऑप्शन की बात करें 10 का क्या होगा आसान से क्वेश्चन है, 2000 ईस्वी में आया था। चलिए क्वेश्चन 11 करा कि भारत में नई आर्थिक नीति जो है किस वर्ष शुरू की गई, भारत में नई आर्थिक नीति जो है किस वर्ष शुरू की गई, 1990, 1991, 1992 या फिर 1993। 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, देखिए ऑप्शन 1952, 1953, 1954, 1955। 12 का ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1952 को प्रथम आम चुनाव हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, 1885 में जो है कौन सी राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, बीजेपी है और जनता पार्टी। आसान सा क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए, कौन हुआ था ऑप्शन नंबर ए यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके संस्थापक कौन थे, एओए हुम। तो यहाँ पर ऑप्शन 13 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, यानी पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, 550, 543, 500 या फिर 489। तो 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 489। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो कब हुई थी, जैसे आपको बता दिया पहले से भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो कब हुई, तो 1885 ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, 15 क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में जो कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की व्यवस्था विशेषता नहीं है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से, राइट ऑप्शन की बात करें तो 16 का क्या होगा ऑप्शन नंबर 16 का ए हो जाएगा यानी दोहरी नागरिकता, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहरी नागरिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारतीय संघ व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है, भारतीय राष्ट्र क्या संघीय व्यवस्था में जो सबसे अधिक शक्तियाँ किसे प्राप्त है, केंद्रों को, राज्यों को, जिलों को या फिर इनमें से कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी केंद्रों को, क्या हो जाएगा केंद्रों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी, यानी कौन से राज्य को कट करके तेलंगाना की स्थापना की गई, देखिए आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है। तो 18 का राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी आंध्र प्रदेश, क्या 18 का ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 क्या ध्यान से देखिए क्या रहा क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में जो है कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यहाँ पे जो कौन जो संवैधानिक के अंतर्गत नहीं रखा गया संवैधानिक संस्था नहीं है, देखिए यहाँ पे नीति आयोग है, वित्त आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, चुनाव आयोग है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़िए, राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी नीति आयोग, नीति आयोग जो संवैधानिक संस्था नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कराया कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो कब हुई, भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, 1956, 1955, 1951 या फिर 1950, को ऑप्शन को ध्यान से देखिए, काफ़ी आप लोग को एक बार में याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा ऑप्शन नंबर
यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 1951 भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कभी 1951। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा। भारत में पहला जो पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था वो कब से कब तक रहा। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, 1950, 1955, 1951, 1956, 1952 से 1957 या फिर 1953 से 1958। तो किस कार्य ऑप्शन की बात करें, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 1951 से 1956। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए ध्यान से कि सात बहनों का राज्य जो है का अर्थ है, यानी कौन से राज्य को क्या कहते हैं, कौन किस तरह के राज्य को सात बहनों का राज्य कहते हैं। देखिए ऑप्शन चार ऑप्शन दिया आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन भी दिया आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी पूर्वी के सात राज्य, यानी भारत के पूर्व जो है सात राज्य जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब जितना भी राज्य है सात राज्य, तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्वी के सात राज्य को सात बहनों का राज्य कहते हैं, जैसे असम हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियाँ के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, 23 का क्या होगा, चार ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 23 का आठ ऑप्शन की बात करें तो 23 का आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयोग सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का देखिए ध्यान से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए ध्यान से, चार ऑप्शन दिए आपके सामने। तो 24 का क्या जाएगा, 24 का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 25 का देखिए ध्यान से, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए ध्यान से यहाँ पे चार ऑप्शन दिया आपके सामने। तो क्वेश्चन 25 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 25 का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोरारजी देसाई, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 26 का जाएगा, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। केंद्र में जनता पार्टी जो किस वर्ष सत्ता में आई। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, 26 का क्या जाएगा, चार ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 26 का राइट ऑप्शन जाएगा, 26 का ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1977 को कब हुआ था जनता पार्टी 1977 को सत्ता में आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि दल बदल क्या है, दल बदल जो है ये क्या है। देखिए चार ऑप्शन देखिए ध्यान से, तो दल बदल क्या है आप सबको पता होगा अगर पढ़े होंगे, तो दल बदल क्या है, चुनाव में विजयी होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दलों में सम्मिलित होना। एक सब्जेक्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि दल बदल कानून से आप क्या समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 क्या ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 28 क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, चार ऑप्शन दिया आपके सामने। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन 29 का देखिए, नाटो की स्थापना कब हुई, नाटो की स्थापना कब हुई। देखिए चार ऑप्शन दिया आपको सामने, तो 29 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 29 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 29 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना कब हुई, तो 4 अप्रैल 1949। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। आप सभी पता होगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करें तो 30 का क्या होगा, 30 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे मैं आप सबको पहले इससे पहले वाली वीडियो था कि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं प्रधानमंत्री और क्या कहते हैं राष्ट्रपति में, कि अगर पूछता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो कभी कभी पंडित नेहरू बता देते हैं और कभी कभी प्रधानमंत्री पूछता है तो क्या कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता देते हैं। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, अगर राष्ट्रपति पूछे तो राष्ट्रपति में क्या होता है, रॉ से शुरू होता है, तो रॉ से हम क्या बोलेंगे राजेंद्र प्रसाद। उसी तरह अगर पंडित जवाहरलाल प्रधानमंत्री शुरू है तो पॉ से शुरू होता है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं पंडित नेहरू। तो इस तरह आप लोग को ट्रिक से याद रखना ताकि आप भूलेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की बढ़ते, क्वेश्चन 31 कराया भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखिए चार ऑप्शन दिया आपके सामने, तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा 31 का राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रस्तावना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 का ध्यान से देखिए, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। आसान सा क्वेश्चन है 32 का, बताइए क्या हो जाएगा, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। चार ऑप्शन में क्या हो जाएगा 32 का राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हिंदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कराया कि मुक्त द्वार की नीति जो है ना किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। ओपन डोर की नीति से किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ, चीन है, सोवियत संघ है, अमेरिका है, भारत है। तो 33 का क्या होगा, 33 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा यानी चीन, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे हैं क्या कह रहा है कि चिपको आंदोलन जो है किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार और पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, कहाँ से हुआ था तो उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन 35 का अगर देखिए देख पाओगे चिपको आंदोलन जो कब प्रारंभ हुआ था, चिपको आंदोलन किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ, 1972, 1973, 1975 और 1976। राइट ऑप्शन क्या होगा 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1973। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए सर क्वेश्चन नंबर
छत्तीस देख पाए क्या, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, चंडी प्रसाद भट्ट है, सुंदरलाल बहुगुणा है, गौरा देवी है और उपयुक्त सभी। सो इनमें से राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी चंडी प्रसाद भट्ट, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा प्रमुख नेता कौन थे। यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा आपको तब आएगा कि जब पूछा गया भारत में चिपको आंदोलन का मतलब कौन संबंधित है चिपको आंदोलन से कौन नेता, तो यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा हुआ, लेकिन काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, तो आप लोग को यहाँ पूछा प्रमुख नेता कौन थे, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कराया, खाड़ी मतलब सुंदरलाल बहुगुणा ने मतलब आगे बढ़ावा दिया भारत में इस चिपको आंदोलन को। क्वेश्चन नंबर 37 कराया कि खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे, खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे। देखिए चार ऑप्शन दिया ऑप्शन ने, तो 37 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यानी सद्दाम हुसैन, क्या जाएगा सद्दाम हुसैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कराया, भारतीय जनता पार्टी का गठन जो है कब हुआ, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ। देखिए चार ऑप्शन दिया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा, 38 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 6 अप्रैल 1980, क्या हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। अगर पूछा सिर्फ जनता पार्टी तो जनता पार्टी का 1977 हो जाएगा, ये आप लोग कन्फ्यूज नहीं करना, काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ देखते नहीं कि भारतीय पूछा कि जनता पार्टी पूछा, सिर्फ आपको पूछा जनता पार्टी तो तब हो जाएगा 1977, अगर पूछता कि भारतीय जनता पार्टी तो उस हिसाब से आपको लगाना है 1980, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि जनता दल का गठन जो है कब हुआ, जनता दल का गठन कब हुआ। देखिए चार ऑप्शन दिया आपके सामने, 15 अगस्त 1990, 11 अक्टूबर 1988 है, 1 मई 1977 है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 39 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे जनता दल पूछा है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, जनता पार्टी ने पूछा है जनता दल का गठन कब हुआ, तो 1 अक्टूबर 1988 ऑप्शन नंबर 39 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 40 में कहा कि भारत में आर्थिक सुधारों की दिशा में व्यापक शुरुआत जो है कब से शुरू हुआ, ऑप्शन देखिए 1985, 1991, 1995, 1999, तो 40 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 1991। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उनकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए अनुच्छेद यहाँ चार दिए हुए हैं आपके सामने, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें 41 का क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा यानी अनुच्छेद 340। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कराया कि मंडल आयोग का गठन जो है कब किया गया था, मंडल आयोग का गठन कब किया गया था। 42 के चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे, 42 का ऑप्शन की बात करें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 20 सितंबर 1978 को कब, तो 20 सितंबर 1978। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 किया गया, देखिए ध्यान से क्वेश्चन 43 की मार्शल योजना कब शुरू हुआ, मार्शल योजना जो है कब शुरू हुआ, 1945, 1946, 1947 या फिर 1948। 43 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1948, मार्शल योजना कब शुरू हुआ तो 1948। 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहा कि सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की थी, 1948 से 1950 से 1952 और 1956 है, तो 44 का ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1948। क्वेश्चन 45 करा, सर्क थेरेपी की शुरुआत जो है कब से हुई, सर्क थेरेपी की शुरुआत कब से हुई, देखिए ध्यान से दिया हुआ चार ऑप्शन आप लोग देखिए 1990, 1991, 1992 या फिर 1944। तो क्वेश्चन नंबर 45 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1990। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का, देखिए ध्यान से कि पड़े अस्त्रा इका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। देखिए यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव है, उसके बाद कोसी जीन है, उसके लाल बहादुर शास्त्री और पुतिन है, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उसके बाद 47 क्या करा, देखिए ध्यान से इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुई थी। ऑप्शन देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया 1988, 1990, 1995 या 1999। 47 ऑप्शन नंबर बी जगह यानी 1990। क्वेश्चन नंबर 48 का खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ। देखिए ऑप्शन को ध्यान से 48 से क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 जनवरी 1991 को, कब हुआ तो 17 जनवरी 1991। क्वेश्चन नंबर 49 का देख पा रहे हैं कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो राइट ऑप्शन क्या होगा 49 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 1948 में, कब हुई थी 1948। चलिए क्वेश्चन 50 कराया यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई, यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति जो है कब हुई, देखिए चार ऑप्शन दिया आपके सामने, तो 50 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 1949। यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई तो 1949। चलिए क्वेश्चन 51 कराया कि यूरोपीय संघ की स्थापना जो है कब हुई, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई 1949, 1991, 1992, 1995। तो 51 का राइट ऑप्शन की बात करें क्या ऑप्शन नंबर पे बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 1992, लेकिन कहीं कहीं 91 भी दिया रहता है, तो शायद आप लोग कन्फर्म 1992 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी, भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी, तो 52 का ऑप्शन की बात करें क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 1987 कब गई थी, तो 1987। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कराया कि कारगिल युद्ध जो कब हुआ था,
कार्यकाल युद्ध 1999 है, 2000 है, 2001 है या फिर कभी नहीं। तो कार्यकाल युद्ध हुआ था 1999 यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का है कि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, 5, 10 या फिर 12 या फिर 15। तो 54 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 54 का डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 15 है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर पूछे सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या तो अस्थायी की हो जाएगा 5, अगर पूछा कि अवस्थाई सदस्य संख्या तो अवस्थाई की 10 है, अगर सिर्फ पूछा सदस्यों की संख्या तो सदस्य कितना है, एक अस्थाई है, सॉरी 5 अस्थाई है और 10 अवस्थाई, मैंने टोटल सदस्य की संख्या कितना हो जाएगा 15, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, होती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 55 का ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 15 होती है, कितनी होती है 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 करा, देखिए ध्यान से, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा का प्रस्ताव जो है कब पास किया, देखिए चार ऑप्शन दिया आपके सामने, ध्यान से ऑप्शन को देखिए, 56 का ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 10 दिसंबर 1948 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 करा, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है, तो क्या हो जाएगा 57 का, ध्यान से आप लोग ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी खतरे से मुक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 करा, ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, ओजोन परत जो है पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से, ऑप्शन की बात करें 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 10 से 50 किलोमीटर तक, क्या हो जाएगा 10 से 50 किलोमीटर। एक ज्योग्राफी क्वेश्चन हो सकता है आपका, क्वेश्चन नंबर 59 करा है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है कब कहाँ हुआ था, देखिए चार ऑप्शन दिया आपके समय, तो 59 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 400 में से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मॉन्ट्रियल में, कहाँ हुआ था तो मॉन्ट्रियल में, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 60 कराया, क्या कराया कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक जो किस देश में हुई थी, वर्ल्ड सोशल फोरम में फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई, देखिए ऑप्शन चार देशों के नाम दिए हुए यहाँ पे, तो सेट का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जगह नहीं ब्राज़ील में। तो यहाँ पे हम लोग 60 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि आपने उस वीडियो को शुरू में बताया था आप लोग, अगर आप लोगों को PDF लेना है तो क्या करना है उसके लिए, तो आपको बता दो कुछ रूल है उसके लिए, आप लोग कैसे कैसे लेना है, एक PDF कोई भी सब्जेक्ट कर लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट का एक PDF लेते हैं तो उसमें आपको क्या है 5 सेट PDF दिया जाएगा, इतना सेट दिया गया तो आप लोग को 5 सेट PDF दिया जाएगा। अगर इसमें हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपको ऑब्जेक्टिव लगभग 300 से अधिक ऑब्जेक्टिव रहेगा, और सब क्या कहते हैं सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्ट आपको इसमें लगभग 150 से अधिक सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, तो इस तरह क्वेश्चन रहेगा आपको एक PDF में, एक मतलब एक विषय में, एक विषय को आपको देने के लिए लेने के लिए आपको उसमें पे करने पड़ेंगे जिसकी कीमत मात्र 15 रुपया है, एक विषय का अगर PDF लेते हैं तो आपको 15 रुपया लगेगा। इसी तरह आप लोग 5 विषय यानी कंप्लीट PDF लेते हैं तो 5 विषय के लिए आपको 75 रुपया पे करना होगा, लेकिन 75 रुपया बनता है, बट आपको 75 रुपया पे करना नहीं है, उसमें आपको 25 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा, जिसपे आपको केवल 50 रुपये पे करना है, 50 रुपये आपको 5 विषय का PDF मिल जाएगा। आप लोग अगर इस PDF को ले लेते हैं तैयारी करें तो इससे तो मैं आपको 100% गारंटी दूँ, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछाएगा, टोटल भी क्वेश्चन इसी आ से एक दो क्वेश्चन बाहर हो जाए अलग सी बात है, बट आपको मैं 90% गारंटी कर सकता हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चन आप तैयारी नहीं किए हैं इतना कुछ दिनों में, आप लोग 5 से 6 दिन में अच्छी तैयारी कर सकते हैं इस PDF के जरिए से। तो चलिए यहीं तक हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, आपके स्क्रीन पे आपको और एक चीज़ बताते हैं कि पेमेंट इसको करना कैसे है, तो पेमेंट करने के लिए आपको तीन मेथड दिया, कितने मेथड दिया, एक आपको अकाउंट नंबर दिया गया, आप अकाउंट नंबर के जरिए से किसी भी आप मनी ट्रांसफर ऐप के जरिए से भेज सकते हैं, चाहे अगर आप गूगल पे यूज करते हैं तो गूगल पे का नंबर दिया, आप गूगल पे के जरिए से भेज सकते हैं, अगर आप लोग किसी मनी ट्रांसफर यूज करते हैं उसमें आपको UPI ID जो है डालने का होता है, मैं UPI ID भी डाल दिया हूँ, आप लोग UPI ID के जरिए से भी भेज सकते हैं, यानी जिसको भीम कहते हैं भीम ID, तो उसके जरिए से भेज सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की सुविधा नहीं तो आपके फ्रेंड के पास होगा उससे भेजवा सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आपके नज़दीक में कोई भी मोबाइल का दुकान होगा जहाँ पर आप लोग उसको मोबाइल की दुकान वाले को कह सकते हैं कि मेरे कोई जो ये 50 रुपये जो इस नंबर पे या फिर क्या गूगल पे के जरिए या फिर अकाउंट नंबर के जरिए से भेज दीजिए, वो भेज देगा, उसके भेजने के बाद क्या करना उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे व्हाट्सएप में भेज देना और अपने सब्जेक्ट का नाम लिख देना, जैसे कि आप भेज देंगे तो तुरंत ही आपको उसका PDF दे दिया जाएगा। चलिए तो वीडियो को समाप्त करते हैं, आपके स्क्रीन पर जो भी वीडियो दिखाई इस वीडियो को देख लीजिए, ये भी काफ़ी आप लोग के हेल्पफुल होगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों से शेयर की ताकि उसको भी फायदा हो सके। मिलेंगे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।